से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे समवेत सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। 2 इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नजीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस को का एक मंच हम बनाए। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप
दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नजीर बन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।